बिहार में हमेशा ही शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। कारण बहुत मुश्किल नहीं, अक्सर अधिकारियों पर आरोप लगते रहे हैं, गंभीर आरोप। सो भी मधेपुरा में बीएन मंडल विश्वविद्यालय से ताजा मामला सामने आया है। यहां आयशा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों की मनमाने रवैये के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए। वहीं इस दौरान बीएनएमयू आयशा के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अरमान अली ने कहा, सीएस ने पीजी परीक्षा का कोड लिखकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लाखों रुपए की उगाही की है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तमाम आरोपियों को तत्काल हटाया जाए। हम लोग देखिए आज धरना प्रदर्शन के बीएनएमयू हम सभी छात्रों के लिए जिस तरह से ये उदासीन रवैया अपना रही है, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। यहाँ के कुलपति महोदय जिस तरह से भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। आज आपको पीजी के हर विभाग में आपको पानी का अभाव, रसीद का अभाव, आपको छोटी छोटी वस्तुओं का मूलभूत सेवाओं का घोर अभाव। यहाँ के मैंने एक एक पदाधिकारी को चार चार पद दिया गया। मैं पूछता हूँ क्यों? मैंने आप उसे चार पदार किस आधार पर दे हैं? आज आपको देख सकते कितने ऐसे आपको प्रोफेसर है जिनको एक पद नहीं मिलता, लेकिन यहाँ एक एक पदाधिकारी